श्लोक संख्या 34। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। अर्थात, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ और काम के फलों में लिप्त बना रहता है वो राजसी है। तो भगवान कृष्ण राजसी धृति, राजसी संकल्प के बारे में बता रहे हैं। ऐसा संकल्प जिसमें मनुष्य धर्म के प्रति आसक्त बना रहे, उसमें लिप्त रहे। अब धर्म का असली अर्थ तो ये है कि आप अपने स्वरूप को पहचाने और भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाएं, यही असली धर्म है। लेकिन अगर मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं करता तो बार बार कहेगा, मैं पति हूं मुझे पति का धर्म निभाना है, मैं बेटा हूं मुझे बेटे का धर्म निभाना है, मैं फला फला हूं मुझे फला फला का धर्म निभाना है। ऐसे अनेक धर्मों का पालन करने का संकल्प लिए रहेगा, पर जो असल धर्म है भगवान की भक्ति और उनकी सेवा, वो उसे समझ नहीं आती और फिर वो अर्थ के पीछे पागल बना रहता है। यानी पैसा, धन, धन अधिक से अधिक कमाऊं, यही संकल्प रहता है राजसिक व्यक्ति का। धन ही उसके जीवन की खोज होती है, धन ही उसके जीवन की प्राप्ति होती है। बस धन के पीछे ही उसके सारे संकल्प कार्य करते हैं। संकल्प ही ऐसे लेता है कि अब धन ही धन कमाना है, और काम के फलों में उसकी धृति लिप्त रहती है। यानी कि जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, चाहे वो यौन इच्छा हो या अन्य इच्छाएं हैं जिनसे कि हमारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, ऐसी भौतिक कामनाएं, उनके फलों में जिस व्यक्ति की धृति लिप्त रहती है, जो इनके फल को एंजॉय करना चाहता है, उसमें रसास्वादन ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति राजसी है और ऐसी धृति भी राजसी है।